साथ जीना, साथ मरना, ये तो सब किताबी बातें होती है राजीव। रियल लाइफ में ऐसे थोड़ी ना होता है। किसी ना किसी एक को तो पहले जाना ही पड़ता है, जीते जी या फिर मरने के बाद। तुम प्लीज ये मरने की बात मत क्या करो राधिका। मैं जा रही हूँ राजीव। हमेशा के लिए? हाँ हमेशा के लिए। डॉक्टर, डॉक्टर ने क्या बोला? क्या मैं बात कर सकता हूँ उससे? तुम क्या बात करोगे उनसे? यू हैव टू फेस द रियलिटी राजीव। और सुनो, अपना बीपी मत बढ़ा लेना, घर का खाना ही खाना। वैसे भी सुब्रत तो इतना भी बुरा खाना नहीं बनाता। कभी कभार पार्टी कर लेना और लाइफ में हो सके तो मुस्कुरा भी लेना। रात का मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला हो जाऊंगा राजीव। तुमको तो पता है ना कि ये मेरी जिंदगी की पहली ट्रेजेडी है। और मैं दुआ करूंगी कि आखिरी भी यही हो। कब तुम्हारे जितने दिन भी बचे हैं, आई मीन तुम जितने दिन भी आओ, क्या मैं तुम्हारे साथ बिता सकता हूँ? नहीं राजीव, तुम और भी कमजोर पड़ जाओगे। I'll miss you. मुझे गम में भी याद करना तो खुशी से याद करना। अरे मुगले आजम, अभी तक कॉफी नहीं पी आपने? ठंडी होगी ना, गरम कर दूं? कर देता हूं। हाँ डॉक्टर कुमार साहब। अरे नहीं नहीं ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, बस बैठे रहते अपने रूम में चुपचाप। ये प्रॉब्लम तो पहले से था ना? हाँ नहीं नहीं नहीं, आपकी दवाई का कोई असर नहीं है। अच्छा क्या बात है, क्या बात है, आप आ रहे हैं इंडिया वापस? अरे वाह, आई आप आई हमारे फ्लाइट पे? अरे नहीं यार, राजीव भाई का इलाज तो चलता रहेगा। आप आइए, चाय सिगरेट लिए आइए। अरे मैं आपको शर्मिंदा कर रहा हूँ? आपको शर्म भी आती है डॉक्टर कुमार सर? देखिए डॉक्टर कुमार सर, आपको शराब आती हो या नहीं आती हो, लेकिन आप यहां जल्दी से जल्दी आ जाइए, लैंड करते ही। जी नमस्कार। थैंक्स सुब्रतो। जहां पना बोले बोले जहां पना। सुबह से तरस गया था मैं आपकी आवाज सुनने के लिए। अब कॉफी पी लो, जबरदस्त है मां कसम। है ना माइंड ब्लोइंग? आपको पता है राजीव भाई, एक कॉफी मैंने एक घंटा पहले यहां पे रखी थी, आप एक घंटे से यहाँ पे बैठे हुए हैं चुपचाप, क्या सोच रहे थे आप? राधिका के बारे में सोच रहे थे ना? राजीव भाई मैं आपसे छोटा हूं, स्कूल में भी कॉलेज में भी आपका जूनियर था। पता नहीं मुझे आपसे ये बात कहनी चाहिए या नहीं, पर मैं कहूँगा, आप अपने साथ ऐसा मत करो। राधिका जहाँ पर भी होगी वो भी यही चाहती होगी कि आप अपने साथ ऐसा मत करो,
प्लीज राजीव भाई, अब इस डिप्रेशन से बाहर आ जाओ, सब लोग यही चाहते हैं। मैं जानता हूँ मुश्किल है, लेकिन जरूरी भी है आपके लिए, हम सबके लिए। मैं, अनन्या, आपके सारे दोस्त, हम सब पुराने वाले राजीव भाई को मिस करते हैं। खिचड़ी खाओगे? खिचड़ी? अरे बहुत जबरदस्त खिचड़ी बनाई है मैंने, सब डाला है उसमें, टमाटर, प्याज, आलू, कांदा, मसाला, सब सब। आपको पसंद है ना खिचड़ी? अभी लाता हूँ, यूँ लाता हूँ मैं खिचड़ी। रुको रुको, तेरी मुस्कुराती सूरत देखकर फिर हंसूं दीवानों की तरह, मुश्किल है। या तेरे गम से मुंह मोड़ लूं बेखबर अनजानों की तरह, मुश्किल है। वो कहते हैं कि मुश्किल है, मगर उसे भूल जाओ। मैं कहता हूं उसे भूल तो जाओ, मगर मुश्किल है। ये थी राजीव की दुनिया और ये था हमारे नए वेब सीरीज ब्लैक होल का पहला एपिसोड। राजीव जिस दौर से गुजर रहा है, क्या आप कभी ऐसे दौर से गुजरे हैं? अगर गुजरे हैं तो कमेंट सेक्शन में डिस्क्राइब कीजिए, बताइए हमें। हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए और सबसे ज़रूरी है सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो देखते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलें हमारे चैनल के बारे में। इस लिंक पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए and keep watching Blackboard.